जिले के पारसवाड़ा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम भिमौड़ी की निवासी 22 वर्षीय महिला अपने घर में अपनी 1.5 साल की बच्ची के साथ सो रही थी। तभी रात करीब 1 बजे पड़ोस में रहने वाले असरत यादव उम्र करीब 30 वर्ष उसके पास आए और हाथ लगाने पर जब महिला चिल्लाने की कोशिश करने लगी तो जान से मारने की धमकी देते हुए महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया और उसके बाद वह फरार हो गया। असरत के जाते ही महिला ने सास ससुर व पति को घटना से अवगत करवाया, जिसके बाद उसने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि आरोपी असरत यादव की 2 पत्नियां भी हैं और पीड़िता का पति 1 महीने से घर से बाहर गया था, जिस पर पीड़ित महिला ने पति को फोन पर सारी जानकारी दी तो पति ने लौटते ही इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। जी सर, ये जो 376 का एक मामला आया है ग्राम भंगोड़ी का, जी क्या है सर मामला है पूरा? ये मामला दिनांक 16/8/19 को पीड़िता अपने पति के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जी जिस पर से आरोपी असरत यादव पिता मुन्नालाल यादव निवासी भंगोड़ी का रहने वाला है, उसके विरुद्ध धारा 450-376 और 3(1)(W)325 STSC एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई थी। विवेचना के दौरान आरोपी असरत यादव को कल दिनांक 16/8/19 को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर पदोन्नाम बता दें। राम सिंह राठौर, निरीक्षक थाना प्रभारी परसवाड़ा।